नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एक कैस्टोमिन टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कैस्टोमिन टैबलेट क्या होती है, इसका साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, इसकी डोज क्या रहती है और इसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, इसको किस तरीके से लेना चाहिए, किस तरीके से नहीं लेना चाहिए, इसके सही लेने का तरीका क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं, दोस्तों मैं इस पूरी वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। और मेरी वीडियो तक लास्ट और एंड तक बने रहना, ताकि आप दोस्तों, अगर मैं कोई भी बात बताऊँ तो इसकी बात कोई भी मिस ना हो, कोई भी जानकारी इसकी मिस ना हो, इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं इसके काम थोड़े से बताता हूँ, थोड़ी सी इसकी जानकारी दूंगा, जो कि एक एस्ट्रोबिन टैबलेट है दोस्तों। इसके अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं, ये फेनोपैंथालिन इसके अंदर कंटेंट्स होता है, जो कि लैक्सेटिव टैबलेट है, जो कि बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए जो होती है। तो दोस्तों, ये टेक्नो फार्मा ब्रांड के, बाकी 10 टैबलेट्स का इसका 1 स्ट्रिप है, बाकी 28 इसकी MRP है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके सबसे पहले काम बताता हूँ, इसके काम क्या होते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन हुआ, यानी पुराना सा पुराना कब्ज जो है, किसी कारण खाना वाना खाने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पेट साफ़ नहीं होता, पेट में अफारा हो रहा है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, पोटी रुक रुक कर आ रही है, पोटी थोड़ी थोड़ी आ रही है, या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फ्रेश होने में, या फिर पाइल्स के प्रॉब्लम है, पाइल्स के प्रॉब्लम ऐसा होता है, कब्ज हो जाती है और उस पाइल्स की वजह से अगर कब्ज होती है, पोटी टाइट आती है तो उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसका उस डिसीज में भी इसका यूज़ होता है। बाकी जो होती है आर्नी डिसीज में भी इसका यूज़ होता है, बाकी जो होती है पैनक्रियाट वगैरह की, उन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। तो मैन जो ये गोली है मैन काम के लिए, वो है इसका लैक्सेटिव, यानी कि पेट को साफ़ करना, पेट की सफाई करने, यानी कि ठीक से फ्रेश होने में आसानी देती है, पेट साफ़ करने में इसकी मदद करती है ये। तो दोस्तों, ये इसके काम रहते हैं। बाकी इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट जैसे बाद में बताऊंगा, पहले इसकी मैं डोज बताता हूँ। इसकी डोज़ क्या होती है दोस्तों, रोज़ रात को 2 गोलियाँ गुनगुने पानी के साथ। बाकी दोस्तों, इसकी डोज होगी बीमारी के ऊपर, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो 2 गोली रोज इसको गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, बाकी जब आपको प्रॉब्लम लगेगी तभी इसको लेना है, क्योंकि पेट साफ के अगर हम कंटिन्यू लेते रहेंगे तो हमारा ड्राइडेशन हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पेट की सफाई हो जाएगी, और उससे पेट साफ अगर बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि ड्राइडेशन हो गया या डायरिया हो गई, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये इसकी डोज रहती है मात्र 2 गोली रात को, अगर फ्रेश नहीं हो पा रहा तो सुबह शाम भी इसकी 1 गोली ले सकते हैं, बाकी 2 गोलियाँ रोज़ रात को, बड़े की डोज, बाकी बच्चा इसकी 1 गोली रोज़ रात को ले सकता है दोस्तों, ये इसकी डोज रहती है। बाकी इसके कुछ एक साइड इफ़ेक्ट, जैसे इसे लेने से अगर बाई चांस जो इसके अंदर फेंटोपैथालोन जो इसके अंदर सॉल्ट है, फेनोपैंथालोन जो इसके अंदर सॉल्ट है, और दोस्तों ये सॉल्ट अगर आपकी बॉडी पर सूट नहीं होता है तो इससे एलर्जी रिएक्शन हो सकती है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दस्त हो सकते हैं उसको, अगर आपके सूट नहीं होती है तो बाई चांस इसके एलर्जी रिएक्शन भी पाए जाते हैं, अगर ये आपको सूट नहीं होती है तो इसके कुछ एक साइड इफ़ेक्ट भी पाए गए हैं जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। बाकी इसका थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो अपने डॉक्टर किसी फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लें, या अपने डॉक्टर से इसको लिखवा लें। वैसे तो ये डॉक्टर के बिना सलाह, बिना डॉक्टर पर्चे भी मिल जाएंगे, और बिना सलाह से इसके बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और बाकी दोस्तों, ये मार्केट में भी बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसकी जानकारी यहाँ तक देना चाहूँगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके नमस्कार दोस्तों, बाकी जल्दी आएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो। ओके नमस्कार दोस्तों।